राम वनगमन पथ को तय करते हुए सीतामढ़ी हर चौका से शुरू हमारा जन कारवां का सफर 60 दिनों के बाद पहुंच चुका है कांकेर। कंक ऋषि के नाम पर बसे कांकेर की मध्य प्रदेश के जमाने से सियासत में अपनी अलग जगह रही है। कांकेर की बात करें तो इस जिले में प्रमुख रूप से 3 विधानसभाएं हैं और तीनों की तीनों विधानसभाएं शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन तीनों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन अगर सियासी रुख की बात करें तो आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को यहां पर बराबर का मौका दिया है, इसलिए हर चुनाव यहां पर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ साथ नए राजनीतिक दलों को बेहतर अवसर देता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस राम राज्य की कल्पना के साथ राम वनगमन पथ की कल्पना की गई है, क्या वो राम राज्य, क्या वो सुराज आम जनता तक पहुँच रहा है? सियासी दल जिस उम्मीद और वायदे के साथ चुनाव में उतरते हैं, क्या आम जनता पर वे खरे उतरते हैं? वो जानने की कोशिश इस जनकारवां के मंच से की जाती है और यही हमारी कोशिश है। पर इससे पहले कि जनकारवां का ये सफर शुरू हो, लोकतंत्र के महापर्व पर आम जनता मतदान करे, उससे पहले अपनी जिम्मेदारी तय करने के लिए हम सभी एक शपथ लेते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी जगह पर एक मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ ये शपथ दोहराएंगे। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि बिना किसी भेदभाव के